राज कपूर, बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की पत्नी। राज कपूर कृष्ण से बेशुमार मोहब्बत करते थे। राज कपूर अक्सर ये कहते भी थे कि उनकी पत्नी और उनका परिवार उनकी ताकत है। बॉलीवुड का ये परिवार एक ऐसा परिवार था जिसमें चार पीढ़ियां एक साथ रहती थी, लेकिन कृष्ण राज कपूर के चले जाने से ये चार पीढ़ियां तीन पीढ़ियों में सिमट कर रह गई है। चलिए एक बार फिर से उसी पीढ़ी उसी वक्त में वापस चलते हैं और आपको राज कपूर की कृष्ण राज कपूर से पहली मुलाकात के बारे में बताते हैं। शादी से एक साल पहले राज कपूर और कृष्ण राज कपूर की पहली मुलाकात हुई थी। उनकी शादी मध्य प्रदेश के रीवा में हुई। दोनों की शादी 1946 में हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को उसी दिन से अपना बना लिया था। राज कपूर को कृष्ण राज कपूर की सादगी काफी पसंद थी। कृष्ण की सादगी उनके कपड़ों और उनकी चाल ढाल से ही झलकती थी। कृष्ण अक्सर ही सफेद कपड़े पहनती थी और बालों में फूल लगाया करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सीधी साधी भोली भाली कृष्ण ही इन दोनों में से वो थी जिसे पहले प्यार हुआ था। वैसे प्रेम कहानी चाहे जो भी हो, हर प्रेम कहानी का हिस्सा जलन जरूर होती है। यही जलन राज कपूर को भी थी। राज कपूर को एक्टर अशोक कुमार से जलन थी, क्योंकि कृष्ण एक्टर के तौर पर राज कपूर की नहीं बल्कि अशोक कुमार की फैन थी। और ये बात जब राज कपूर को पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उस दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पूरी जान लगा देंगे और पूरी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे। इसके बाद अपनी पत्नी के फेवरेट बनने के लिए धीरे धीरे राज कपूर बॉलीवुड के शोमैन बन गए और कृष्णा और राज का परिवार एक हंसता खेलता परिवार बन गया। राज कपूर जहां अपने काम में दिन रात मेहनत करते तो कृष्ण घर पर अपने पांच बच्चों की अच्छी तालीम अच्छी परवरिश में लगी रहती। शमी कपूर भी अपनी भाभी को भाभी नहीं माँ ज्यादा मानते थे। बॉलीवुड का वो दौर ही और था जब जोकर जैसी फिल्में बना करती थी, जब राज कपूर और शमी कपूर जैसे सितारे हुआ करते थे। ये सितारे भले ही आज हमारे साथ हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी चमक आज भी फिल्मी जगत में उजाला करती है। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।